लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने अपनी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। कोटद्वार के उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अपना सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, ताकि उत्तराखंड में चुनाव प्रभावित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। बॉर्डर के चेक पोस्ट पर हो रही चेकिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। चुनाव की तैयारी होने के बाद जो सख्ती है चुनाव में, उसके असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत कोटद्वार में हूँ। कोटद्वार का सीमावर्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, पर यहाँ पर अब चुनाव के देखते हुए जो सख्ती है पुलिस की, वो काफी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के बल यहाँ पर मौजूद है, और जो भी सीमा के पास से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर आ रही है, उन पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। लगातार सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था और निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड ने भी कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से जो अवैध शराब या जो काला धन होता था जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसको लेकर सख्ती बरती जाएगी, और उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार यहाँ पर अपने जो चेकिंग अभियान उसको चलाए हुए जा रही है, और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की जो सख्ती है और भी सख्त यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोशिश यही है प्रशासन के निर्वाचन आयोग की कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और जो चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समाप्त किया जा सके। तो लगातार वो सब चीजें देखने को मिल रही है। गढ़वाल से बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ पर टीम पहुंचे लगातार कर रही है। कैमरा मैन सुनाता था भाई कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून।